हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ से ट्रिक बाय परमार से। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। दोस्तों या प्रश्न कौन से, या अथवा, या और अथवा वाले प्रश्न हैं, अथवा वाले प्रश्न हैं। देखिए या और अथवा वाले प्रश्न कैसे आते हैं, इसमें छः लड़के या चार पुरुष, इस किसी भी काम करना हो तो उस काम को या तो छः लड़के करेंगे या चार पुरुष, और कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि जितना काम छः लड़के करेंगे उतना काम चार पुरुष करेंगे, ठीक है, या चार पुरुष जितना काम करें उतने ही छः लड़के करेंगे, ठीक है, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो तीन लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले तो देखना है कि छः लड़के या चार पुरुष। देखिए छः लड़के किसके बराबर है, चार पुरुष के बराबर है। छः लड़के किसके बराबर, चार पुरुष के बराबर है, और ये उस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, ठीक है, इस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। अब अपने सामने प्रश्न है कि तीन लड़के और 10 पुरुष, देखो तीन लड़के और 10 पुरुष, ये उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए या तो इसको लड़के के बराबर कर लो या इसको पुरुष के बराबर कर लो, दोनों में से एक जगह बराबर कर लो आप। अगर लड़के सबको, अगर ये पुरुष है, 10 पुरुष है, सबको अगर पुरुष बनाना है तो 6 लड़के के बराबर कितने पुरुष, चार पुरुष हैं। अगर आपको तीन लड़के चाहिए तो 6 के आधे 3, 6 के आधे 3, मतलब तीन लड़के बराबर 2 पुरुष, ठीक है ना, यहाँ से आधा कर दिया, यहाँ से आधा कर दिया, 2 का भाग सब दूर लगा दिया, तो तीन लड़के बराबर 2 पुरुष। जो तीन लड़के हैं इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 पुरुष आ जाएगा, 2 पुरुष ही और 10 पुरुष ही है, तो कुल मिला के कितने हो गए, 10 और 2 12 पुरुष हो गए। पुरुष कितने हो गए, 12 पुरुष हो गए, और ये उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए ये जो 12 पुरुष है ये उस काम को माना कि एक दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब इधर पुरुष कितने हैं, चार पुरुष है, इधर पुरुष बना गया तो इधर भी पुरुष से भी बात करेंगे, तो चार पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, 18 दिन। यानी कि चार पुरुष कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन। बस ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो एक्स का जो मान निकालना है तो एक्स बराबर 4 × 18/12, 4 से काटा 4 × 3 = 12, 3 से काटा 3 × 6 = 18, यानी कि 6 दिन। कितने दिन में काम पूरा होगा, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यदि आपको या तो पुरुष बना लो या लड़के बना लो, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें कहा कि 10 पुरुष अथवा 18 लड़के इसी काम को 15 दिनों पूरा करते हैं। पुरुष कितने हैं, 10 पुरुष, 10 आदमी। अब 10 आदमी किसके बराबर है, 18 लड़के के बराबर है। 10 आदमी किसके बराबर है, 18 लड़के के बराबर, और ये काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, ठीक है। 10 आदमी 18 लड़के के बराबर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है कि 25 आदमी तथा 15 लड़के, 25 आदमी तथा 15 लड़के, देखो 25 आदमी प्लस 15 लड़के, 25 आदमी और 15 लड़के। अब यहाँ देखना अपनों को, देखिए 10 आदमी बराबर 18 लड़के, है ना, 10 आदमी बराबर 18 लड़के, है ना। अगर 10 में, अगर 2 से डिवाइड इधर भी कर दें, 2 से डिवाइड इधर भी कर दें, तो 10 को कितने आदमी होंगे, 5 आदमी बराबर 9 लड़के, 5 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 2 लड़के, लड़कों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 आदमी बराबर 9 लड़के, तो 5 में 5 का गुणा करना 25 हो जाएगा, तो 5 का गुणा यहाँ कर दें,
और 5 का गुणा यहाँ कर दें तो 25 आदमी बराबर 5 कम 45 लड़के, ठीक है ना, 25 आदमी बराबर 45 लड़के हो जाएंगे। तो जो 25 आदमी है वह कितने लड़के हो जाएंगे, 45 लड़के हो जाएंगे, प्लस 45 लड़के प्लस 45 15 लड़के है, ठीक है। तो 45 15 कितने हो गए, 60 लड़के हो गए, कितने हो गए, 60 लड़के हो गए। और ये किसी काम को x दिन में पूरा करे, मान लिया कि ये काम को x दिन में पूरा कर रहे हैं। अब लड़के की बात आई तो लड़के हैं कितने, 18 लड़के 15 दिन, 18 लड़के 15 दिन, तो 18 लड़के इंटू 15 दिन मान निकाल अपने को x का, जो 60 यहाँ से उठ के यहाँ आ गया 60, 15 से काटा 15 चौके 60, 2 से काटा 2 दून 4 और 2 9 18, 9 बटा 2 और 2 का भाग लगाएं तो 2 दूनी 4, 2 से ही 1 बटा 2 चौके 8, 4 से ही 1 बटा 2 दिन, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, 4 से ही 1 बटा 2 दिन आ जाएगा। तो 4 से 1 बटा 2 दिन ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। लेकिन ये तो आपने राइट कर दिया, लेकिन ये क्या कह रहा है, इसी काम के बराबर काम करेगा, इसी काम के, इसमें क्या कहा, इससे दुगने कार्य को, काम दुगना है, यानी कि यहाँ पे 2x होगा, कितने होगा, 2x होगा, x नहीं होगा, दुगना x होगा, तो 2x निकालेंगे तो 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, है ना, इसको दुगना करना है, तो 4.5 दुनी 8 नहीं 9, 9 दिन होगा, कितने दिन होगा, 9 दिन अपना राइट आंसर होगा, काम दुगना है ना तो 9 दिन अपना राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, 9 दिन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका दुगना कार्य करने के रहा है तो दुगने काम में 9 दिन लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।